संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी संसद के सेंट्रल हॉल में सीधे लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे। यहां उन्होंने आडवाणी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद भी लिया। वहीं कुशल क्षेम जाने बता दें कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। वे 9 जून की शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके साथ ही मोदी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले देश के दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे। इससे पहले यह रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। मोदी समय समय पर आडवाणी और जोशी से मुलाकात करने जाते हैं। इससे पहले जब आडवाणी को भारत रत्न दिया गया था, तब मोदी भी उनके आवास पर पहुंचे थे।